गोदपति अयोध्यानाथ की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जय। बोलिए श्री राम कथा महोत्सव की जय। अन्नपूर्णा भगवती पराम्बा की जय। सर्व मंगला मात की जय। नर्मदा मैया की जय। महाकाल भगवान की जय। ओंकारनाथ भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गो माता की जय। श्री सरयू मैया की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। भारत माता की जय। अखंड भारत की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत करुणा वरुणाले अहेतु की कृपा बरसाने वाले, हम सबकी चित्त वृत्तियों में आनंद का संचरण करने वाले, हमारे भावों में शुभता पवित्रता शिवता को आहूत करने वाले, रोम रोम में स्पंदन, जिनके नाम मात्र से हम हृदय में अनुभव करते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम के चरणों में बारंबार प्रणाम। वंदन है भगवती अन्नपूर्णा के श्री चरणों में, वंदन है नर्मदा मैया की सन्निधि को, वंदन है महादेव महाकाल को, वंदन ओंकारनाथ भगवान को, वंदन तो इंदौर की इस पवित्र परंपरा को भी है, इस धरा को भी है, माता अहल्या जैसी देवियां जिसने अपने शौर्य से वीरता से धर्मनिष्ठा से इस संपूर्ण क्षेत्र को धन्य किया है, वंदन उनको भी है, प्रणाम उनको भी है, जिन्होंने सनातन संस्कृति का संवाहक बनकर अपनी ऊर्जा को अपने धन को अपनी शक्ति को ऐसे सदुपयोग किया कि आने वाली पीढ़ियां इस धन्यता के बोध से भरी रहेंगी, उन सब सनातन के संवाहकों को वंदन है। धर्म प्रेमी बंधुओं, शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, आपकी भक्ति का भी मैं वंदन करती हूँ, धर्मनिष्ठा का वंदन करती हूँ, सनातन के प्रति आपकी आस्था को प्रणाम करती हूँ। महापुरुष यहाँ बैठे हैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम है, अन्नपूर्णा ट्रस्ट के सभी भागवत जन जिनके हृदय में भगवती के लिए भव्य मंदिर के निर्माण की उत्कट अभिलाषा है, उनके संकल्प का वंदन है, उस संकल्प की पूर्ति की जो शक्ति सामर्थ्य है उसको भी प्रणाम है। वात्सल्य सेवा समिति के साथ जुड़े सभी जनों को बहुत बहुत वंदन है, आशीर्वाद है, साधुवाद है, आपने कृपा पूर्वक इस पवित्र अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए जब संकल्प किया तो निश्चित हो गया कि हम सब राम कथा में अवगाहन करेंगे, गोता लगाएंगे, अपनी चित्त वृत्ति को राममय बनाएंगे। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई, उनका स्मरण करेंगे जो सुमिरत विधि होई गण नायक करीवर वदन, जिनके सिमरन से, वो कौन है श्री राम, उनके स्मरण से कैसे हो जाता है निश्चित के कोई गुणों की राशि बन जाए, शुभता आ जाए, करु अनुग्रह सोई बुद्धि रासे शुभ गुण सदन। और स्मरण रखिएगा अगर हमारे पास बुद्धि भरपूर हो जाए, है ना, गणपति तो गणनायक है ना, विनायक है ना, और भोले बाबा के तो बहुत सारे विनायक हैं, लेकिन ये कौन से विनायक हैं जो गज बदन है करीवर बदन, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि। अगर आपके पास बुद्धि बहुत है अच्छी बात है, लेकिन सद्गुण नहीं है, गुण नहीं है, तो वो बुद्धि
बड़ी बुद्धि, बुद्धि की तीक्ष्णता लोगों को राक्षस भी बना देती है, बना देती है ना। बहुत बार लोग कहते हैं कि जो तोड़फोड़ में लगे हैं, आतताई बन गए, आतंकवादी बन गए, बम फोड़ रहे हैं, अपने आप के शरीर पर बम बांध कर जनता को नष्ट करने के जो है ऐसे गंदे संकल्पों के साथ जुड़े हैं, उन्हें पढ़ाओ, उन्हें लिखाओ, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बना दो, उनको पायलट बना दो। उनके ऊपर सज्जन जनता का दिया हुआ टैक्स खर्च कर लो ताकि वो रास्ते पे आ जाए। बताइए आप, ऐसे आतताइयों को जब आपने पायलट बना दिया तो फिर उन्होंने क्या किया, क्या किया? अमेरिका के ट्विन टावर तोड़ दिए ना। बुद्धि तो आ गई, बुद्धि में तीक्ष्णता तो आ गई, पर अंदर तो राक्षसी भाव भरा हुआ है। इसलिए बुद्धि का बन जाना बात बनेगी नहीं। बुद्धि राशि भी चाहिए पर सद्गुण भी चाहिए, गुणों की खान होना होगा, सज्जनता को चित्त में धारण करना होगा, तभी बुद्धि का सदुपयोग हो पाएगा और तभी गुणों का, तभी सामर्थ्य का, तभी शक्ति का। इसलिए हम गणपति भगवान से नहीं कह रहे, हम तो श्री राम से कह रहे हैं कि आपकी कृपा हुई ना उन पर, उनकी कृपा हुई ना, प्रभु की। किनकी हुई? जो सुमिरत सिद्धि होई। किनकी? सभी लोग तो भाग रहे थे, कहां भाग रहे हैं? भोले बाबा ने कहा कि वो जो ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ जाएंगे ना, उनको अग्रणी देवता निश्चित कर दिया जाएगा। तो कार्तिकेय स्वामी आरूढ़ हो गए मोर के ऊपर, सबके पास बड़े तीव्र वाहन हैं, और हमारे गणेश जी भी चले अपने चूहे पे बैठकर धीरे धीरे, उदास उदास, अनमने अनमने से, कि वो सब तो घूम घाम के आ जाएंगे, हम तो ऐसे ही धीरे धीरे सरकेंगे। तो देव ऋषि नारद आ गए, बोले गणपति उदास क्यों, मुंह क्यों लटका रखा है? बोले देखिए तो प्रतिस्पर्धा हो रही है और हमारा पराजित होना तो निश्चित है, क्योंकि वाहन में भी तीव्रता नहीं है, और वैसे भी कोई जीते कोई हारे, पर कभी कभी तो मन में आता ही है कि देखो पराजय होने वाली है। देव ऋषि बोले नहीं गणेश, आपकी पराजय नहीं हो सकती, ये छोड़ो, सुहे चूहे की सवारी छोड़ो, जरा नीचे उतरो और धरती पर राम लिखिए, श्री राम मंत्र लिख लीजिए और इनकी परिक्रमा कीजिए और अपने पिता श्री के पास पधारिए। और गणपति ने क्या किया, राम मंत्र धरा पर लिखा, परिक्रमा की, क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वो तो पिंड है, लेकिन उनमें जो समाया है वो मृणमय की महिमा नहीं है, महिमा तो चिन्मयी सत्ता की है, परिक्रमा की, और जाके गणपति भोले बाबा की गोद में विराजमान हो गए। और यहाँ जैसे ही स्वामी लौटे कार्तिकेय हाँफते हुए, अरे बोले ये गणपति, ये लौटा है क्या पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके? फिर सोचा अरे ये थुलथुल महाराज तो कहीं गए ही नहीं होंगे, प्रथम अग्रणी देवता तो हम ही घोषित होंगे। लेकिन भोले बाबा मुस्कुराए, उन्होंने कहा मृणमय की परिक्रमा करने वाला अग्रणी नहीं हो सकता, चिन्मय सत्ता श्री राम को पहचानने वाला वही अग्रणी देवता हो सकता है। तो श्री राम की कृपा जे सुमरत सिद्धि होई, गण नायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, शुभता हमें आ जाए, इसलिए अनुग्रह कीजिए, इसलिए कृपा कीजिए। हम शरण में आके बैठे हैं, कैसी प्रार्थना की है, मूक होई बाचाल। अब आप देखो गूंगा भी एक दुर्गुण है, गूंगा होना है ना अच्छी बात है क्या कि गूंगे हैं महाराज, लेकिन फिर वो बाचाल हो जाए फिर तो और गड़बड़ है। यहाँ बाचाल शब्द का अर्थ वो नहीं है कि हम कहते हैं अरे बड़ा बाचाल है, ये अलंकार है संस्कृत भाषा में, वाणी का अलंकार मिल जाए किनकी कृपा से, पहाड़ पर चढ़ जाए किनकी कृपा से,
सामर्थ्य होते हुए भी, ना होते हुए भी, बड़े बड़े संकल्पों की पूर्ति हो जाए किनकी कृपा से? वे भगवान जिनकी कृपा से ये सब होता है, कलमल का हरण होता है, अंतःकरण पवित्र होता है, वाणी भी मिलती है, पर वाणी क्या कहना है, क्या बोलना है ना? वाणी तो सबके पास है ना, शब्द तो सबके पास है ना, छंद बनते हैं वो, काव्य भी बन जाते हैं वो शब्द, लेकिन अगर चित्त में पवित्रता नहीं है तो वो शब्द गाली भी बन जाते हैं, शब्द मारक होता है, और जब ईश्वर की कृपा हो जाए तो शब्द तारक भी हो जाता है। ऐसी वाणी, ऐसा शब्द, ऐसी 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 शुभता, ऐसा चिंतन, ऐसा विचार कि दुर्गम पथों पर भी व्यक्ति चल सके, ऊंचे से ऊंचे संकल्पों के हिमालय पर भी आरूढ़ हो जाए, ये तब होता है जब प्रभु की श्री हरि की कृपा हो। सब्सक्राइब करें साध्वी रितंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।